क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी महसूस क्यों होती है? समय पर काम न होने पर हम टेंशन में क्यों आ जाते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट से 15 टिप्स आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अपने वेस्ट वर्जन को अचीव कर सकते हैं। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाइए। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाइए। एक डायरी लीजिए और एक वीक तक यह रिकॉर्ड रखिए कि आप किस काम में कितना समय खर्च करते हैं। याद रखिए, सिर्फ एक वीक ही ये करना है आपको। लॉग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 1 वीक बाद संडे को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह एनालिसिस कीजिए। इस एनालिसिस से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा वर्क मीनिंगलेस है या किस एक्टिविटी में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी एक्टिविटी को छोड़ेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लक्ष्य बनाइए। अगर आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपकी कोई मंजिल नहीं है, तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे? इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो लक्ष्य बनाना इसके लिए जरूरी है, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपका लक्ष्य जितना क्लियर होगा, आपके सफल होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेल्समैन की वाइफ हॉस्पिटल में काफी समय से एडमिट थी। हैरानी की बात यह थी कि उस ईयर सेल्समैन ने एवरेज सेल से दोगुना ज्यादा सामान बेचा था। जब उस सेल्समैन से उसकी सफलता का राज पूछा गया, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस एग्जाम्पल से यह क्लियर हो जाता है कि अगर कोई इंसान ठान ले, तो वह अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकता है, बशर्ते उसके सामने क्लियर गोल हो। नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क पहले करें। हमारी डेली रूटीन इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है, हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा टाइम छोटे छोटे वर्क को करने में चला जाता है। पर महत्वाकांक्षी आदमी इस बारे में सतर्क रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि इम्पोर्टेंट वर्क पहले किया जाए, और इसके लिए उसके पास एक डायरी होती है जिसमें उसके वर्क लिस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप एक डायरी लीजिए, उस डायरी में ए, बी और सी नाम के 3 कॉलम बना लीजिए। ए कॉलम में अपने सबसे इम्पोर्टेंट वर्क रखिए, जिसे आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे वर्क रखिए जो अनिवार्य तो है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। सी कॉलम में ऐसे सामान्य वर्क रखें जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही मैंडेटरी। दिन में सबसे पहले ए कॉलम के पहले वर्क को कम्प्लीट करें, उसके बाद बी कॉलम का काम शुरू करें, और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के वर्क को करें। नेक्स्ट, ट्रैवल के टाइम का इस्तेमाल करें। आम लोग ट्रैवल के टाइम में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, वहीं सक्सेसफुल लोग अपने वैल्यूएबल टाइम का अधिकतम उपयोग करते हैं। महात्मा गांधी ट्रैवल करते समय नींद लेते थे, ताकि वे रिफ्रेश रह सके। नेपोलियन जब सेना के साथ वॉर करने जाते थे, तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ट्रैवल के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। टाइम को लेकर सभी सक्सेसफुल लोग सतर्क रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी ट्रैवल के टाइम का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की ट्रैवल में काफी समय लग जाता है। इस समय में कोई इम्पोर्टेंट वर्क करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने प्राइम टाइम में काम करें। दिन के किसी खास समय आपकी एनर्जी और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है, यही आपका प्राइम टाइम है। अपने सबसे इम्पोर्टेंट या क्रिएटिव टास्क इसी दौरान करें, ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सके। कई बार 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आम तौर पर 1 दिन में भी नहीं हो पाता। याद रखें, समय की क्वांटिटी के बजाय समय की क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। वह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 वर्क करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की क्वांटिटी को इम्पोर्टेंट देता है और दूसरा समय की क्वालिटी को, और इसी से उनकी सफलता में जबरदस्त फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, स्वयं को ऑर्गेनाइज्ड करें। अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इसमें एक मुश्किल यह है कि हमारा समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात यह है कि हम खुद इसके लिए दोषी होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्क का सबसे आम एग्जाम्पल है किसी कागज या फाइल का ना मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में वह चीज किसी ऐसे जगह पर मिलती है जहां उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए। टाइम का बेस्ट यूज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या ऑर्गेनाइज्ड है तो आपका लाइफ भी ऑर्गेनाइज्ड होगा, और जब आपका लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आप सहजता से टाइम का बेस्ट यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट, कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं, और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से आपके लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब कितनी तेजी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट। और अब क्या स्थिति है? शायद 30 शब्द प्रति मिनट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है नॉलेज। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए पुस्तक पढ़ें, सेमिनार में जाएं। तीसरी शर्त है, आप अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह सोचें कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। नेक्स्ट, डेडलाइन तय करें। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज्यादा तेजी से काम पूरा कर लेते हैं? पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। दूसरा, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरा, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लें नॉर्मल कंडीशन में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेजी से भागेंगे? जाहिर है आप 6 मिनट से बहुत कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेंगे, क्योंकि आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन भी खूंखार कुत्ते जैसा ही होता है। नेक्स्ट, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा कोशिश करें कि हर काम एक निश्चित समय पर किया जाए, जिससे कि आप अपने भीतर का बायोलॉजिकल क्लॉक का इस्तेमाल अपने समय को बचाने में कर सकें। नेक्स्ट,
सुबह जल्दी उठें। लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं है, रात की शांति में काम ज्यादा अच्छी तरह होता है और रात को वह चाहे जितनी देर काम कर सकते हैं, लेकिन यह तर्क बेकार है। 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें काम ज्यादा अपेक्षाकृत अच्छी तरह होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गति भी तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और दिमागी काम के लिए रात का समय आदर्श नहीं होता। नेक्स्ट, 1 घंटा एक्सरसाइज करें। इंसान सोचता तो यह है कि वह अपने लिए जी रहा है, लेकिन वह जिस तरह समय खर्च करता है उसे यह लगता ही नहीं कि वह अपने लिए जी रहा है। अक्सर वो ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी या बच्चे की पसंद की होती है। जब वह थका मांदा घर लौटता है तो उसे टीवी भी दूसरे के पसंद से देखने पड़ते हैं, यानी वह अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता। तो इसीलिए दोस्तों, 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना है और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, एक्सरसाइज करना है, योगा या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, लेकिन टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण जरूरत से ज्यादा भोजन करना भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुबह सबसे अच्छी तरह काम क्यों कर सकते हैं? एक कारण तो यह है कि उस समय आराम कर लेने के बाद शरीर थका हुआ नहीं रहता। दूसरा कारण यह है कि सुबह ऑक्सीजन ज्यादा रहती है। और तीसरा कारण यह है कि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है। पेट खाली रहने से दिमाग ज्यादा तेजी से चलता है, इसीलिए हमें एक ही बार में ज्यादा भोजन करने से बचना चाहिए। जब आप कम खाते हैं तो आपको आलस नहीं आता और आपकी ऊर्जा व एकाग्रता का स्तर बना रहता है। नेक्स्ट, टाल मटोल ना करें। लोग टाल मटोल क्यों करते हैं? इसके कई कारण होते हैं। या तो काम बोरिंग या मुश्किल होता है, या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। टाल मटोल के कारण चाहे जो भी हो उसे दूर करें और आज के काम को आज ही पूरा करने की आदत डालें। यदि आप कल पर टालते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज ही कर सकते हैं उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही कर लें ताकि आने वाले कल पर बोझ न पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही कर लें ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो जाए और आप उसमें नए काम कर लें। मन मेहनत से घबराता है, इसीलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मन या मूड के गुलाम ना रहें। मन को अनुशासित करें और मूड हो या ना हो काम शुरू कर दें। नेक्स्ट, बुरी लतों से बचें। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए घातक है ही, आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है। अनुमान है कि एक युवा सिगरेट पीने में लगभग आधा घंटे समय बर्बाद करता है। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी जुगाड़ करने और इसका माहौल बनाने में समय लग जाता है। शराब तो समय को और भी ज्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरा पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिरदर्द या हैंगओवर हो जाता है। सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी लतें होती है जो आपका बहुत सा समय बर्बाद करती है। दूसरों की बुराई करने या इधर उधर की बात करने की आदत, बहस या लड़ाई करने की आदत। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये सभी टिप्स और ट्रिक्स सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट से मैंने आपसे शेयर किया। तो दोस्तों, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।